अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्यारी बहन लैला ने उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला के हवाले से एक वीडियो अपलोड की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अंजलि मिर्ज़ा एक शेर बयान करता है, वो भी क्या दिन थे जब हम भी एक जिन थे, आज हम दो हैं जिन्हों के प्यो हैं। हालांकि दो तो शैतानों कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अंजलि मिर्ज़ा अपने आप को शैतान कह रहा है। तो यहाँ पर आप उनकी वीडियो देखिए, बाकी बात हम बाद में करते हैं। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम दो हैं जिन्हों के भी प्यो हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप दो हैं। वैसे मिर्जा साहब, ये दो का मतलब क्या है? दो कहते हैं शैतान को, दो कहते हैं शैतान को। हाँ जी, अब यहाँ पर जो चीजें मेरी बहन ने एक्सपोज की हैं, अगर सच में इसका हकीकत से कुलियां लेना होता तो फिर तो ये बहुत बड़े लेवल का एक्सपोज था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। हर बंदे को ये बात पता है कि अंजलि मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जब भी ये शेर बयान करते हैं तब मजाक में बयान कर रहे होते हैं, यानी कि एक तफन्नुन के तौर के ऊपर। अंजलि मोहम्मद मिर्ज़ा साहब इस शेर को बयान करते करते ये भी कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब हम भी एक जिन थे, आज हम दो हैं जिन्हों के प्यो हैं। तो ये जो दो है ना, ये दियोबंद वाला दो है, दियोबंद वाला दो है। तो यही से आप मजाक लगा लें कि ये मजाक के तौर बात हो रही होती है, वरना के पागल को ही पता है कि दियो का मतलब शैतान है, उस वास्ते कोई बेवकूफी होगा जो अपने आप को शैतान कहेगा, ठीक है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुन सुना के सुन्नी टुन्नी ना बने, बल्कि पढ़ पढ़ा के सुन्नी बने। जज़ाकअल्लाह खैरा।